हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो के साथ हम आए हैं और आज हम बनाएंगे हांडी मटन पालक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक सॉस पैन लिया है, हमारी जो हांडी है उसके अंदर हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप सरसों का ही तेल इस्तेमाल करें। तो पहले हम इसको अच्छे से जला लेंगे, जैसे इसमें से धुआं निकलने लगेगा। तो हमने यहाँ पे इसमें ऐड करी है हमारी सिनेमन स्टिक, इसको हम अच्छे से फ्लेवर इसका इंड्यूस होने देंगे ऑयल के अंदर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हमारी एक लार्ज साइज की प्याज, और हमने यहाँ पे एक लहसुन की जो गांठ होती है वो हमने छील के इसमें काट के यहाँ पे डाली है। और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हम इसको सौते कर लेंगे। जो अनियन का कलर है वो चेंज हो गया है, डार्क ब्राउन हमारी जो अनियंस है वो हो गई है यहाँ पर। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा मटन। मटन हमारा यहाँ पे है 1 kg, और हम इसको अच्छे से ऐड करके हम यहाँ पे इसको, जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता, ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, जैसे भी ये थोड़ा पिंक दिख रहा है, तो जब इसे फ्राई करेंगे तो ये हल्का सा पेल हो जाएगा कलर में, पिंक जो इसकी पिंकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। हम इसको तब तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे नेक्स्ट इसमें हमारा ग्रेवी, जिसके लिए हमने 2 बड़ी प्याज, 1 गांठ लहसुन और 1 मीडियम साइज का अदरक हमने पीस लिया है। और उसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे रेड मिर्च ली है, और 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी ली है, और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे इसमें हरा धनिया का जो पाउडर होता है हमने वो ऐड करा है। इसको हम अच्छे से भूनने देंगे, जैसा कि हमेशा हम ग्रेवी को भूनते हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि साथ में हम इसमें नमक ऐड करें, ताकि हमारा जो मसाला है, जो ग्रेवी है, वो अच्छे से भुन जाए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। टाइम टू टाइम इसको हमको चलाते रहना है। और अगर आपको लग रहा है कि पानी कम हो रहा है मसाले में, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी की थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसमें ऐड करके हमें मटन को अच्छे से कुक होने देना है। देखिए यहाँ पे ये मटन कुक हो रहा है हमारा, और आपको इसको हाफ कुक करना है, क्योंकि हम इसे हांडी में बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप पानी टाइम टू टाइम चेक करते रहिए और इसको लो फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो हमारा मटन है वो रेडी हो चुका है, आप इसे काटेंगे तो ये आराम से कट रहा है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हमारा स्पिनच, यानी कि पालक। पालक की भी हमने यहाँ पर 1 बंच लिया है, जो कि लगभग सेम क्वांटिटी में है, 1 kg ही। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। थोड़ा हमको सॉल्ट यहाँ पे देख के ऐड करना होगा, क्योंकि हम पहले भी सॉल्ट ऐड कर चुके हैं अपने मसाले में। और पालक में भी थोड़ा सा, मतलब पालक डालेंगे तो हम थोड़ा ऑलरेडी वो थोड़ा सॉल्टी रहता है, तो आप थोड़ा कम ही अगर सॉल्ट डालेंगे तो वो बेटर रहेगा। अब इसको हमें पानी नहीं डालना है हमें इसके अंदर अब ज़्यादा, इसको हम कवर करके कुक करते रहेंगे और टाइम टू टाइम हमें चेक करना है। ये देखिए हमारा लगभग 1 घंटे बाद, हमने इसे लो फ्लेम पे पकाया है, और 1 घंटे बाद हमारा जो ये हांडी पालक मटन है ये रेडी होने के लिए बिल्कुल अपने लास्ट उसमें है स्टेज पे। यहाँ पे हमने इसमें ऐड करी है ग्रीन चिलीज, और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे
करेंगे हमारा अदरक। एक छोटा अदरक हमने बारीक बारीक काट के हम इस पर डालेंगे और इसको दोबारा से हमें 10 मिनट्स के लिए कवर करके लो फ्लेम पे पकाना है। और हमारा जो ये हांडी मटन पालक है, इट इज़ रेडी टू ईट नाउ। अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।